कोर्ट ने SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देने का आदेश दिया है और इसे चुनाव आयोग से सार्वजनिक करने को कहा है। तो इसके बाद से ही चुनावी बॉन्ड को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी इसमें बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी भी मुश्किल में दिख रहे हैं। इस बीच चुनावी बॉन्ड को लेकर JDU की तरफ से हैरान करने वाला दावा किया गया है। तो क्या है ये दावा, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड से किसने किसे चंदा दिया ये जल्द ही सार्वजनिक हो जाएगा। अभी तक सिर्फ बैंक और चंदा लेने और देने वाले को ही पता था, लेकिन 21 मार्च के बाद इसकी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। इस बीच तमाम खुलासे हो रहे हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर जो सूचनाएं आ रही हैं, उसमें राजनीतिक दल खासतौर पर BJP और उसके सहयोगी सवालों में फंस गए हैं। इस बीच JDU की तरफ से चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे को लेकर हैरान करने वाला दावा किया गया है। JDU का दावा है कि किसी अनजान शख्स ने पार्टी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है। JDU नेता नवीन आर्य ने कहा कि 3 अप्रैल 2019 को किसी अनजान शख्स ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर एक सील बंद लिफाफा दिया था। इस लिफाफे को खोला गया तो उसमें 1-1 करोड़ रुपए के 10 इलेक्ट्रल बॉन्ड पाए गए, जिसके बाद JDU ने पटना के SBI मेन ब्रांच में एक खाता खोलकर इन सभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को कैश करा लिया। ये बॉन्ड किसने दिए है इसकी JDU को भी जानकारी नहीं है। वही इस मामले को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। RJD ने JDU को घेर लिया है और सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये चंदा किसका है, JDU क्या छिपा रही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब SBI से इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ऐसे में जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि JDU को मिला 10 करोड़ रुपए का चंदा आखिर किसने दिया। DB लाइव की रिपोर्ट।